Hey to everyone, welcome back on my YouTube channel Azure. Elon Musk दुनिया के सबसे richest person है जिनसे हम सभी लोग बहुत अच्छे से रूबरू हैं और खास तौर पर अभी जब Elon Musk ने Twitter को 44 बिलियन US डॉलर में खरीद लिया है, जिसके कारण Elon Musk इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहे हैं। आखिर क्या हुआ ऐसा जिसके कारण आज Elon Musk पूरी दुनिया में छाए हैं और आखिर कहाँ से शुरू होती है ये सारी कहानी, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो जिसका टाइटल है व्हाट नेक्स्ट विद ट्विटर। एस्केपिंग अ कोर्ट बैटल विद द कंपनी ही हैड फ्लर्टेड विद बाइंग फॉर मंथ्स। पिछले 9 महीनों से ट्विटर बोर्ड मेंबर्स और एलन मस्क के बीच में लड़ाई चल रही है, वो आखिरकार अब खत्म हो गई है क्योंकि जो महीनों से ट्विटर खरीदने की डील चल रही थी अब फाइनली क्लोज हो चुकी है। और फाइनली इस डील को 28 अक्टूबर को एलन मस्क ने 44 बिलियन यूएस डॉलर में अपने नाम कर लिया है। जैसे ही एलन मस्क ने ट्विटर की कमान संभाली वैसे ही एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और ट्विटर के अदर मेंबर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि एलन मस्क ने इसके लिए पहले से ही हिंट दे चुके थे। ट्विटर और एलन मस्क की इस कहानी की जो शुरुआत है वो 4 मार्च 2022 को हुई है। Now billionaire Elon Musk, the Tesla CEO, has offered to buy out Twitter for $54.20 per share. दरअसल ये बात तब की है जब एलन मस्क ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में एलन मस्क ने कहा कि यहाँ पर यानी कि ट्विटर पर सभी लोगों को अपनी बातों को रखने का पूरा हक है और साथ ही फ्री स्पीच को ट्विटर पर शुरू करने के लिए कहा जिससे लोग अपने अपने पॉइंट लोग के सामने रख सके। एलन मस्क चाहते थे कि ट्विटर को एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया जाए और एलन मस्क ने यही एडवाइस ट्विटर को, लेकिन लोगों ने एलन मस्क को एक रिटर्न एडवाइस दी कि क्यों ना एलन मस्क ट्विटर को ही खरीद ले। फिर 4 अप्रैल को एक ट्वीट आता है जिसमें अनाउंस किया जाता है कि एलन मस्क ने ट्विटर में 9.2% स्टेक खरीदी जो कि 4 मार्च के शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग की कॉस्ट लगभग 2.9 बिलियन डॉलर। ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी क्योंकि इससे पहले किसी को नहीं पता था कि ट्विटर में एलन मस्क का इतना स्टेक है। इसके बाद ट्विटर ने ट्वीट करते हुए कहा कि ट्विटर एलन मस्क के साथ एक एग्रीमेंट कर रहा है जिसमें कि ट्विटर एलन को अपने बोर्ड में एक सीट देगा जिसकी जो टाइम पीरियड है वो 2024 की शेयर होल्डर की एनुअल मीटिंग में खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने ट्विटर की एक मीटिंग में अनाउंस किया कि ट्विटर के बोर्ड में एलन मस्क को अपॉइंट किया जा रहा है। ट्विटर के इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद एलन मस्क ने अपने पैर इस डील से वापस ले लिए और साथ ही एलन मस्क ने ट्विटर के बोर्ड में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब एलन मस्क ने बोर्ड में शामिल होने से इनकार किया तब एलन मस्क ने ट्विटर को एक डील ऑफर की जिसमें एलन मस्क ने पर शेयर $54.20 के प्राइस पर 44 बिलियन यूएस डॉलर में ट्विटर को खरीदने के लिए कहा। जब एलन ने इस ऑफर को ट्विटर को पास किया तब स्टार्टिंग में तो ट्विटर ने कुछ दिनों तक इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ट्विटर के जो शेयर होल्डर थे वो इस डील के लिए रेडी हो गए यानी कि वो इस डील में इंटरेस्ट दिखा रहे थे। द स्पेक्टेटर इंडेक्स की रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग एलन मस्क ने कहा कि अगर ट्विटर बोर्ड कंपनी इस डील को खरीदने के लिए ना भी कहती है तो उनके पास प्लान बी भी है। एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए कहा कि वो ट्विटर में अधिक से अधिक शेयर होल्डर को रखने का ट्राई करेंगे अगर ट्विटर उनकी डील को एक्सेप्ट नहीं करता है तो, जैसे कि ट्विटर के 9.2% स्टेक उनके पास पहले से ही है। और इसके बाद ट्विटर ने अपना एक बयान देते हुए कहा कि ट्विटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी और जो सभी शेयर होल्डर्स हैं वो एलन मस्क के इस प्रपोजल को केयरफुली देखें और उसके बाद ही कोई एक्शन। एलन मस्क ने अपनी फाइलिंग में कहा कि मैंने ट्विटर में इसलिए इन्वेस्ट किया है क्योंकि मैं दुनिया भर में ट्विटर को फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ। एलन मस्क का मानना था कि फ्री स्पीच इज अ सोशल इम्परेटिव फॉर अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। इस बात के चलते एलन मस्क और ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल के बीच में थोड़ा विवाद शुरू हो जाता है जिसके कारण 13 मई को एलन मस्क इस डील को होल्ड कर देते हैं। लेकिन ये बात अभी खत्म नहीं होती है क्योंकि 16 मई को एलन मस्क और पराग अग्रवाल के बीच बूट अकाउंट को लेकर फिर से एक बार बहस शुरू हो
जाती है। बहस के चलते एलन मस्क 17 मई को इस डील को होल्ड करने की धमकी देते हैं और फाइनली 8 जुलाई को एलन मस्क इस डील को होल्ड भी कर देते हैं और इस डील को पूरा करने से इनकार कर देते हैं, और जिसके चलते ट्विटर 12 जुलाई को एलन मस्क पर एक केस फाइल कर देता है। इस डील के कैंसिल होने के बाद ट्विटर के जो शेयर्स हैं उनमें 6% तक की गिरावट आ जाती है। 4 अक्टूबर को एलन मस्क अपनी ओरिजिनली प्रपोज शर्तों के साथ इस डील को आगे बढ़ाने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि कोर्ट एलन मस्क और ट्विटर दोनों को 28 अक्टूबर तक डील को फाइनल करने के लिए कहता है, यानी कि 28 अक्टूबर की डेडलाइन होता है। लेकिन एलन मस्क 28 अक्टूबर से एक दिन पहले ही इस डील को फाइनल कर देते हैं। डील फाइनल करते ही एलन मस्क एक ट्वीट करते हुए लिखते हैं, द वर्ल्ड इज फ्री, यानी कि चिड़िया अब आजाद है। एलन मस्क जो अभी तक सिर्फ टेस्ला, स्पेसएक्स इन कंपनियों को कंट्रोल कर रहे थे, अब उनमें ट्विटर भी ऐड था। एलन मस्क ट्विटर को टेक ओवर करते ही सबसे पहले ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल, CFO नेट सहगल, हेड ऑफ लीगल अफेयर्स एंड पॉलिसी विजया गड्डे जैसे कई लोगों को ट्विटर से निकाल देते हैं। इसके साथ ही एलन ने अनाउंस किया कि ट्विटर पर वेरीफाइड टैग और ब्लू टिक के लिए $8 पर मंथ पे करने होंगे। जो यूजर्स $8 पर मंथ पे करेंगे वो लॉन्ग वीडियो और ऑडियो पोस्ट करने में केपेबल होंगे। एलन मस्क के इन सब ट्वीट्स के बाद कॉर्पोरेट एडवर्टाइजर्स के एक पूरे ग्रुप ने ट्विटर पर एडवर्टाइजमेंट को रोक दिया और ट्विटर से खुद को दूर कर लिया, जिसमें जनरल मोटर्स, जनरल मिल्स, ऑडियो ऑफ अमेरिका, ओरियो, फाइजर और फोर्ड जैसे कुछ कंपनियों के नाम। इन सभी को देखकर एलन मस्क ने एडवर्टाइजर पर एक ट्वीट करते हुए कहा, वो चाहते हैं कि ट्विटर सबसे रिस्पेक्टेड एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। एलन मस्क ने वाइन रिव्यूट को बताया, दरअसल जो वाइन रिव्यू था एक स्मार्टफोन ऐप था जिससे यूजर जो है वो 6-7 सेकंड की लॉन्ग क्लिप्स बना सकते थे, जो शायद कुछ को टिकटॉक और रील्स जैसा ही था। ये जो वाइन था वो जून 2012 में शुरू किया गया था, लेकिन अक्टूबर 2012 में ट्विटर ने वाइन को टेक ओवर कर लिया था और इसका नाम ट्विटर वाइन कर दिया गया था। मार्केट में ट्विटर वाइन की तरह अदर प्लेटफॉर्म आने की वजह से ट्विटर वाइन को साल 2016 में बंद करना पड़ा। अभी कुछ दिनों पहले एलन मस्क ने एक ट्वीट में लोगों से पूछा था कि क्या ट्विटर वाइन को वापस लाना चाहिए, तब इस पोल में 70% लोगों ने हाँ कहा। और साथ ही एलन मस्क ने ट्विटर इंजीनियर्स को एक वाइन रिबूट पर काम करने के इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, जो कि इस साल के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क 7,500 एम्प्लॉय के साथ इस प्रोसेस में भाग लेते हैं। एलन मस्क ने एक अपनी छोटी सी टीम बनाई है जिसमें एलन मस्क के कुछ फेवरेट मेंबर्स भी हैं। एस्थर क्रॉफर्ड, जिनका एक पिक्चर काफी वायरल हुआ है। दरअसल ये जो एस्थर क्रॉफर्ड है वो ट्विटर में डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पोस्ट पर है। इनका एक पिक्चर काफी वायरल हुआ था। इस पिक्चर में एस्थर क्रॉफर्ड फर्श पर सो रही थी, जो ट्विटर पर काफी वायरल। इस पोस्ट को देखकर एलन मस्क ये ट्वीट करते हैं, यानी इस ट्वीट के जरिए एलन मस्क ट्विटर के हर एक एम्प्लॉय से कहना चाहते हैं कि अगर ट्विटर में काम करना है तो आपको यहाँ पर जी तोड़ मेहनत करनी होगी और अच्छे से काम करना। सो दैट्स द होल स्टोरी। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।